इनकी हार्ट लाइन देख करके ऐसा लग रहा है कि इनके लिए इनका वर्क, मनी, फैमिली सभी समान रूप से महत्व रखता है। लेकिन जब इनके लेफ्ट पाम को आप देखेंगे तो आप पाएंगे इनकी हार्ट लाइन पूरी तरह से हथेली को घेरते हुए दिखाई दे रही है। इस तरह की हार्ट लाइन जिनकी भी होती है, भले आपके लेफ्ट पाम में हो, फिर भी इसका 25% असर आपके तात्कालीन जीवन पर पड़ता ही है। ये आपको हद से ज़्यादा इमोशनल बना देता है। ऐसे लोगों को अपना दुख बड़ा नहीं लगता सामने वाले की तुलना में। यदि कोई सगा, जिसे ये मानते हैं, इनके सामने आकर के रोना धोना स्टार्ट कर दे, अब अपना दुख साइड करके सामने वाले के दुख को दूर करने में लग जाते हैं। ये सोचते हैं, भाई ये इंसान कैसे दुखी रह सकता है, और अगर ये दुखी है तो मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। यानी इनको अपना दुख कभी समझ में नहीं आता, लेकिन अपनों का दुख बहुत अच्छे से समझते हैं और सभी रिश्तों में अपना 100% देते हैं। उम्मीद रखते हैं कि मैंने इनके लिए इतना किया तो रिटर्न में सामने वाला भी मुझे मेरे लिए कुछ ना कुछ करे। लेकिन जब इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, सामने वाला पलट कर इनको देखता भी नहीं है, तो स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कत आती है। साथ ही इनकी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो इनको बेवकूफ़ बनाते हैं। जब आप अच्छे होते हैं, आप इनकी जो सोल होती है, आत्मा होती है, वो सतयुगी होती है, लेकिन आए कहाँ पर हैं, कलयुग में। तो यहाँ अच्छे लोगों की तादाद ना के बराबर है, बुरे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और इनकी किस्मत कहिए या बदकिस्मती कहिए, इनकी लाइफ में बुरे लोग पहले ज़्यादा आते हैं, जो इनको बहुत कुछ सिखा करके जाते हैं। 30 to 35 स्ट्रगल रहता ही है, और स्ट्रगल रहने की वजह ये है कि ये पैसा कमाते तो हैं, बचत नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि दुख हरता है ये। जिनको जब ज़रूरत होती है पैसे की, इनके पास आ जाते हैं। ये अपनी खुशियों में से, मान लीजिए इंसान अपने लिए पैसा बचा करके रखता है, ख्वाहिशें होती हैं, उन ख्वाहिशों को ये साइड करके वो पैसे जो इन्होंने अपने लिए बचा करके रखे थे वो सामने वाले को दे देता है। तो ये चीज़ें दिक्कत तो करती हैं ना, क्योंकि आप की मदद तो कोई भी नहीं कर रहा, ना करने वाला है, बट सामने वाला आपका फ़ायदा बहुत उठाएगा। तो इस वजह से स्टार्टिंग की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, 35 दिक्कत रहती है। उसके बाद ज़िंदगी इनको बहुत कुछ सिखा भी देती, अपनी ही ज़िंदगी से सीखते हैं। पता चल जाता है कि इस दुनिया में यदि आपको किसी का भला करना है तो करो, लेकिन अपना नुकसान नहीं करना है। और 35 प्लस होते होते बहुत परिपक्व हो जाते हैं। जब ये 35 वर्ष की आयु के होंगे, आप जब इनसे बात करेंगे तो आपको लगेगा कि ये 50 साल का कोई इंसान है, इतना तजुर्बा हो जाता है। ये लोगों को देखते ही पहचान जाते हैं कि कौन कितना पानी में है। तो स्टार्टिंग में दिक्कत है, बट चलो ठीक है, 35 होने के बाद कामयाबी भी मिलेगी, बट अभी तो बहुत दिक्कत है। तो एक सलाह है, अपनी खुशियों को प्रायोरिटी दीजिए। यहाँ कोई भी आपको खुश करने के लिए नहीं आया है, इसीलिए जितना हो सके मदद कीजिए। मदद करनी बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने हिस्से की खुशियां मत बांटिए, अपनी खुशियों को का ख्याल खुद रखिए। और उसके बाद यदि कुछ बचता है आपके पास तभी दीजिए। ऐसे नहीं है कि खुद भूखे हैं और दुनिया भर में खाना बांटे जा रहे हैं, वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। माइंड लाइन ऑब्वियसली बात है, लेफ्ट पाम में जैसे ही हार्ट लाइन ने पूरी हथेली को घेर लिया तो माइंड लाइन अब असर तो होगा। तो स्टार्टिंग में ये हार्ट लाइन की तरफ मूव कर गई। इस तरह की माइंड लाइन जिनकी भी होती है, पामिस्ट्री का नियम है, जो लाइन अपनी जगह को छोड़ के जिस लाइन की तरफ जाती है उसी के गुणों को अपनाती है। अब इनकी माइंड लाइन मूव कर गई हार्ट लाइन की तरफ, तो दिमाग का काम दिल करता है, और तब तक करता है जब तक ये स्थिति हथेली में रहती है। तो आपका अच्छा टाइम कब से स्टार्ट होगा? जब लाइफ लाइन के ऊपर एज एनालिसिस के लिए आएंगे तभी बता पाएंगे, अभी तो नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, जब तक आपकी माइंड लाइन टूट करके नए सिरे से स्टार्ट नहीं होती है, तब तक स्ट्रगल बना रहने वाला है। अभी आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी, अभी आपको लगेगा कि नहीं, पता नहीं क्या बोल रही हैं, मैं तो उतना इमोशनल नहीं हूँ, मैं तो लोगों की मदद बस तभी करता हूँ जब ज़रूरत होती है उनको, अभी नहीं समझ में आएगी। लेकिन जब आप 35 के लगभग या 30 प्लस हो जाओगे, देखो ज़िंदगी अचानक से थोड़ी ना आपको समझदार बनाती है, उसका भी प्रोसेस है। यूनिवर्स अचानक से किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को समझदार, किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाता, प्रोसेस है, टाइम लेता है वो। तो 30 से आपको समझ में आने लगेगा कि जो पास्ट था आपका, वहाँ आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं,
और 35 आते आते परिपक्व हो जाएंगे, तो भाग्योदय आपका 30 से स्टार्ट हो जाएगा। आपकी माइंड लाइन को देख करके भी मुझे यही लग रहा है। ये वाली लाइन जिनके भी हथेली में होती है, अभी तो नहीं, लेकिन ये माइंड लाइन आपकी एक्टिवेट होगी 35 के लगभग से। आप जिस भी फील्ड में होंगे, जिस भी क्षेत्र में आप होंगे, लोग आपकी काबिलियत की तारीफ करेंगे, आपके सीनियर भी ये कहेंगे, पीठ पीछे भी बहुत नॉलेज है आपको अपने क्षेत्र का। और जब भी उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी, आपके पास उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता पूछने के लिए आएंगे। इतना नॉलेज होता है, इतना तजुर्बा होता है ऐसे लोगों को कि इनके सीनियर भी इनके फ़ैन होते हैं। और स्टार्टिंग में यदि सनलाइन आपकी इस तरह से टूटती हुई दिखाई दे या धुंधली हो, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने में वक्त लग जाता है, समय लग जाता है। स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, जॉब चेंज होता है या पैसे की कमी रहती है। बट यूँ इस तरह से यदि आपकी सनलाइन स्टेबल हो जाए, तो आप एक चीज़ मान लेना कि 35 या 40 के लगभग से आप अपना कोई काम इनिशिएट करने वाले, क्योंकि स्ट्रेट सनलाइन बिजनेस को शो करती है, तो आपका अपना कोई व्यापार होगा, बिजनेस होगा, जिससे आमदनी बहुत होगी और आपको फेम भी अच्छा मिलेगा। आपकी हथेली में आपकी माइंड लाइन को देख करके ये लग रहा है कि आपका भाग्योदय अचानक से होगा, इसीलिए क्योंकि इतनी अच्छे तरीके से बदलाव आता हुआ माइंड लाइन पर मैंने ना के बराबर हथेली में देखा है। और जिनकी हथेली में ये चेंज आया है, ऐसे लोगों का भाग्योदय अचानक से हुआ है। तो अब फिलहाल अभी भले लोग ये सोच रहे होंगे आपको देख करके कि आपका फ़ायदा उठाना बहुत आसान है और वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि जितनी परीक्षा ब्रह्मांड आपकी ले रहे हैं, उससे ज़्यादा परीक्षा तो दूसरों की ले रहे हैं। और वो लोग आपके साथ यदि गलत कर रहे हैं, तो आपका तो चलो ठीक है, अभी स्ट्रगल का टाइम है, किस्मत में लिखा करके लेके आए हैं, तो वो तो करना ही है। लेकिन जो लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं इस वक्त, जो भी टाइम चल रहा है आपका, आप बिलीव करो, वो सब लोग हिसाब किताब देने वाले हैं। इनफैक्ट एग्ज़ाम उनका हो रहा है, उनकी परीक्षा चल रही है। आपके लाइफ में जो भी लोग आएंगे, जिन्होंने अभी तक आपको धोखा दिया होगा, उन लोगों ने अपना कर्मा पूरी तरह से ख़राब कर लिया है। वो लोग अपने वो यूनिवर्स की के एग्ज़ाम में पास किया, मतलब टिक ही नहीं पाए। और ब्रह्मांड कुछ रखता नहीं है, यदि आपने अच्छा किया है तो रिटर्न में आपको 100 गुना ज़्यादा देता है, और यदि आपने कुछ बुरा किया है, लिख करके रख लो, रिटर्न में 100 गुना ज़्यादा देगा वो आपको। और इस तरह से यदि साइन बनता हुआ दिखे, मर्क्यूरी के माउंट और सन माउंट के बीच में ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग रहता है, ऐसे लोगों का फॉरेन सेटलमेंट होता है, विदेश आना जाना लगा रहता है, या कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जहां विदेशी धरती से धन का आगमन होता है, कम्युनिकेशन आपका ठीक है, अच्छा है। मर्क्यूरी के माउंट को जब स्पेस अच्छा मिलता है, ऐसे लोग बोलते बहुत सही हैं और अपने शब्दों से सामने वाले को दुख नहीं देना चाहते, ये भी चीज़ें होती हैं। आपकी पकड़ बहुत अच्छी है शब्दों पर, आप कम शब्दों में अपनी बात रखनी जानते हैं, दैट इज़ अमेजिंग। और इस धरा पर यदि कम्युनिकेशन आपका अच्छा है, सही मानिए 50% प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। मेन प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप सही होते हुए भी खुद को सही साबित नहीं कर पाते हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। आजकल सभी की हथेली में, मैक्सिमम लोगों की हथेली मैंने देखा है, वीक कम्युनिकेशन होता है उनका, बट आपका बहुत स्ट्रांग है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में। जो भी है वो आपके दिल से सोचने की वजह से है और अभी रहने वाली है, तो उसको लेकर के कुछ कर नहीं सकते। बस इतना है कि जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आएगी, वो बहुत ज़्यादा परेशान आपको नहीं कर पाएगी, बिकॉज आपके साथ आपके एंसेस्टर, आपके पूर्वज का आशीर्वाद है। टाइम मैनेजमेंट ठीक है, ना बहुत अच्छे हैं आप टाइम मैनेजमेंट पे, ना बहुत बुरे हैं, मध्यम है, ठीक है। यदि किसी को समय दिया है तो टाइम पर भले आप ना पहुँचे, लेकिन 5 मिनट से 10 मिनट देरी से पहुँच ही जाते हैं, ज़्यादा वक्त देरी नहीं होती है, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते हैं। किसी भी काम को जल्दबाजी में करना आपको अच्छा नहीं लगता है। लकलान आपकी मून माउंट से स्टार्ट हुई है, किसी भी काम को यदि करिए तो एकदम से छुप छुपा करके करिए। इन फ्यूचर आप जो बिज़नेस इस्टेब्लिश करने वाले हैं, उसको करने से पहले किसी को नहीं बताना है, वो प्लानिंग अपने तक रखनी है। यदि शेयर करना भी है तो अपने आप के साथ करना है। ऐसे लोग अपनी प्लानिंग यदि शेयर कर लेते हैं तो फिर नज़र लगती है, और नज़र इसलिए लगती है क्योंकि सामने वाले की गलती नहीं है, आपकी गलती है। आपकी आत्मा, आपकी जो सोल है वो वीक है, अभी वो पावरफुल नहीं है, वो सामने वाले के बैड एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए काबिल नहीं है, इसी वजह से आपको हाइड करके चलना है। सन माउंट पर जितना बड़ा ट्राइंगल होता है, आपको सफलता उतनी बड़ी देता है। आपको मध्यम स्तर से
ज़्यादा बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है। यानी आपकी कमाई इन फ्यूचर या कुल मिलाकर के आपकी जो बचत राशि होगी, जो एक तरह से बैंक बैलेंस कहते हैं, वो तीन से लेकर के 3 to 10 crore मान करके चलिए, इतनी इतनी बचत राशि होगी आपके पास। बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। और नेशनल इंटरनेशनल फेम काफ़ी बड़ा है, आपको आपके काम की वजह से आपके देश के लोग भी जानेंगे और बाहर के लोग भी जानेंगे। लो पॉप सीरियसनेस है, सीरियस रहना पसंद है आपको। और इस तरह से यदि 3 से ज़्यादा उंगलियों पर चक्र के साइन हो, इस स्ट्रगल को बढ़ा देता है और आपकी माइंड लाइन की वजह से, आपकी हार्ट लाइन की वजह से, ऐसे भी स्टार्टिंग के फेज में स्ट्रगल है अभी, तो फिर 35 नॉर्मली स्ट्रगल तो रहने वाला है। आपको वर्क ज़्यादा करना होगा, पैसे कमाएंगे, बचेंगे नहीं, बहुत तरह से स्ट्रगल होता है, इमोशनली भी आप डैमेज फील करते हो इस दरमियान, और उसके बाद ही सफलता मिलने वाली है। शादी आपकी रिच फैमिली में होगी, आपके लेवल से काफ़ी अच्छी पोजीशन होगी आपकी लाइफ पार्टनर की, और मैरिड लाइफ ठीक रहने वाली, अच्छी रहने वाली है। वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी शादी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है 32 के लगभग। और मैं आपसे कहना भी ये चाहूँगी कि आपको शादी करनी भी है तो 30+ होने के बाद ही करना, बिकॉज अभी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अभी यदि आप शादी करते भी हैं तो लाइफ स्मूथ नहीं रहने वाली है, दिक्कत आएगी। विदेशी धरती से इनकम के सभी साइन हैं। यदि आपके मर्क्यूरी के, माफ कीजिएगा, मून माउंट के ऊपर स्क्वायर के साइन हो, ज़्यादा हो, तो ये इनकम को बढ़ा देता है। फॉरेन कंट्रीज़ में जब आप जाते हैं, विदेशी धरती पर जब आप जाते हैं काम करने के लिए, तो अच्छी खासी इनकम को ये शो करता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन के हाथ में आप देखना, उनके मून माउंट के ऊपर सैकड़ों स्क्वायर के साइन पाए जाते हैं। जब ये लॉक नहीं होता, ये वाला एरिया जब लॉक नहीं होता है, ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हैं, पैसे की बचत नहीं कर पाते हैं। यानी पैसा आता है, पैसे कमाने में दिक्कत नहीं है, खर्च हो जाता है। इंट्यूशन ऑन पॉइंट है, काफ़ी इंट्यूटिव हैं आप। आपको कोई भी घटना होने से पहले, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, पता चल जाता है, पहले पता चल जाता है। विदेशी धरती पर ही बुढ़ापा भी बीतेगा, फॉरेन सेटलमेंट वाला ये पाम है। राजा लूप है, राजा लूप जिनके भी हथेली में होता है, राजाओं वाले गुण, किंग के जितने भी क्वालिटीज़ होते हैं वो आपके अंदर पाए जाते हैं, बट ये क्वालिटीज़ आपकी निखर करके सामने आएगी 35+ होने पर। अभी नहीं, अभी स्ट्रगल है 35+। ये तो मतलब माइंड लाइन को देख करके मैं बता रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि 30+ एग्जैक्ट मैं बताऊँगी जब लाइफ लाइन के ऊपर हम आएंगे, लेकिन 36 तक ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो रहेगा। लाइफ कब से आपकी लाइफ में सुधार आएगा वो देख लेंगे, जब लाइफ लाइन के अभी जा रहे हैं आप लाइफ लाइन के ऊपर इवेंट को बताने आपकी। एंड क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो लोग इनको उतना तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन ओल्ड एज में इनके फॉलोअर्स बहुत होते हैं जो इनके जैसा बनने की चाहत रखते हैं। यानी सेलिब्रिटी फेम ओल्ड एज में जाकर के इनको मिलता है। अब देखते हैं आपकी लाइफ में कब क्या चेंज आया, क्या आने वाला है। 15 साल की एज जब आपकी रही होगी तब कोई ना कोई इश्यूज आया था। 20 and half 21 के लगभग भी इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर चेंज भी आ रहा है, पहले की लाइफ से थोड़ा सा डाउन हो गया है लाइफ, मतलब पहले जो आपकी ज़िंदगी थी उससे थोड़ी सी जो दिशा है जीवन का वो थोड़ा नेगेटिव हो गया, क्योंकि लाइफ लाइन इनर पार्ट से स्टार्ट हुई। तो ये बहुत अच्छा, आपकी लाइफ का जो वो होता है ना, इंसान का जो चेंज आता है, जहाँ इससे पहले की लाइफ अच्छी थी बट अभी की लाइफ उतनी अच्छी नहीं है, तो वो वाला चेंज आया है 20 half and 21 के लगभग से। थर्टी थ्री से चेंज आएगा, इश्यूज हैं अभी। 33 में बड़ी कामयाबी मिल रही है आपको, तो ये भी कह सकते हैं कि शादी होने के लगभग, 32 के लगभग शादी बताई है मैंने, तो शादी होने के लगभग या शादी के टाइम में ही बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा आपकी लाइफ में, और यहाँ से आपकी लाइफ एक अच्छे डायरेक्शन में होगी। अब इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कुछ है, जैसे आने वाले कौन कौन से इश्यूज़ मैं बता रही हूँ इसके साथ बताऊँगी।
23.5 से लेकर के 24 के बाद से जो चेंज आया है वो भी अच्छा नहीं है, यहाँ से इश्यूज थोड़े बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 26 के लगभग आपकी लाइफ में कोई ना कोई आएंगी, समवन, कोई खास। 26 के लगभग 27-28 इश्यूज आ रहे हैं प्रॉब्लम, और 33 के लगभग से लाइफ आपकी चेंज होते हुए दिख रही है। तो ये है आपके पाम का एनालिसिस। बस, ठीक है, बाय बाय।